गुड मॉर्निंग सो एपी कर रहे थे हमने सम और इन टर्म्स में क्वेश्चंस कर लिए थे राइट सो द लास्ट क्वेश्चन वी डिड चलो आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज करते हैं पहले एपी की ठीक है मान लो अगर एक कोई सीरीज है या एक सीक्वेंस है जो एपी में है ये एन टर्म का सीक्वेंस है इट्स एन एपी ठीक है जिसमें कॉमन डिफरेंस सपोज डी वन है दिस इज द कॉमन डिफरेंस नो टेल मी इफ आई एड अ कॉन्स्टेंट इन ऑल द टर्म्स इंडिविजुअली इफ आई एड अ कॉन्स्टेंट टर्म इन ऑल द टर्म्स इंडिविजुअली ये जो नया सीक्वेंस होगा क्या ये एपी में होगा Is is this new sequence batao to what will जो नया common होगा ये this तो यही गलती करते हो बेटा आप लोग थोड़ा सोच समझ के जवाब दो जल्दी नहीं है हमारे पास कुछ भी जल्दी नहीं है जरा डिफरेंस निकाल के देखो तो इसमें ए टू प्लस के इज द सेकेंड टर्म माइनस एवन प्लस के इज द फर्स्ट टर्म वट इज द डिफरेंस ए टू माइनस एवन ही होगा ना दोस्तों विच इज इक्वल टू डी ओनली तो कॉमन डिफरेंस डी वन ही होगा ना तो भाई क्यों के क्यों एड कर देना ऐसे ही एड कर दूंगा क्या अपनी मर्जी से ऐसा थोड़ी होता है जो होगा वो करना है ना अपन को तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दे दिया ऐसा मत करो यार सोच so, समझ के जवाब दो आप वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेंटेंसेस नाउ राइट चलो बढ़ते हैं आगे अगर यही मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया कि फाइव सब्सट्रैक्ट के या अ पर्टिकुलर कांस्टेंट इन ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी अगर मैंने सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट को सबस्टेक्ट किया तो भी नया सीक्वेंस एपी में आएगा भाई साहब और जो कॉमन डिफरेंस है ना वो डी वन ही आएगा अब अगर मैंने सारे के सारे टर्म्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा क्या वो एपी में आएगा से नहीं बोलना है फिर वही गलती कर रहे हो बहुत सारे दक्ष आपने गलती करी अपनी फीलिंग से थोड़ी बोलना है अपन को निकालना है मैथमेटिकली अपन को सॉल्व करना है मैथमेटिकली देखो ना जरा के ऑफ ए टू माइनस के ऑफ ए वन पहले टर्म का डिफरेंस होगा पहली और दूसरी टर्म का दूसरी और पहली का सॉरी के कॉमन लोगे तो कितना आएगा और कितना आएगा? आएगा. सब के डी आएगा सबके अंदर के डी आएगा बेटा एपी आएगा बट कॉमन डिफरेंस इस बार चेंज हो जाएगा तो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी बाय अ कांस्टेंट, देन द न्यू सीक्वेंस इज इन एपी एंड क्वेंस इज इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई दिवाइड तो डिविजन को हमेशा कोई अलग से मत करना डिविजन इज मल्टीप्लीकेशन ओनली डिविजन को मल्टीप्लीकेशन ही बोलोगे कि आपने किसी एक कॉन्स्टेंट से डिवाइड किया के से तो आप बोल सकते हो वन बाय के से मल्टीप्लाई किया तो बात वही होती है डिवीजन कोई अलग चीज नहीं होता है जैसा मल्टीप्लीकेशन के साथ होता है वैसा ही कुछ डिवीजन के साथ होता है तो अगर आपने एक कांस्टेंट को ऐड किया आपने कांस्टेंट को सबस्ट्रेक किया आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया या आपने कांस्टेंट को डिवाइड किया द न्यू सीक्वेंस विल रिमेन इन एपी ओनली डेफिनेटली

अब जरा मुझे यह बताओ कि अगर मैंने इन दोनों एपी को ऐड कर दिया मतलब करस्पोंडिंग टर्म करस्पोंडिंग टर्म से ऐड कर दी तो क्या नया सीक्वेंस एपी में बनेगा न्यू सीक्वेंस विल बी इन एपी एंड विद द कॉमन डिफरेंस डी वन प्लस अगर दो एपी के सीक्वेंस को अगर आप एड कर रहे हो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो जो नया सीक्वेंस मिल रहा है भाई साहब बिल्कुल एपी ऑन आएगा कॉमन डिफरेंस दोनों का एडिशन उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आई होप ये तो आप समझ जाओगे आप राइट कि नहीं समझोगे थोड़ा सा सॉल्व करना सीखो बेटा आप दिमाग इतना चलना चाहिए आपका कि ये तो आप अब इतना करने के बाद में बिना लिखे समझ पाओ थोड़ा सा चलाने की कोशिश करो नहीं चले तो सोचने की कोशिश करो जैसे कि अगर देखो क्या है कॉन्जिक टर्म्स का डिफरेंस ही तो है बेटा ये है ना ए टू में से ए वन को सब्सट्रैक कर, कर दूं और बी टू को बी वन में से सब्सट्रैक कर दूं आ गया ना और हर एक केस में ये ये मैथमेटिक्स तो आप लगा ही पाओगे अगर मैं सबस्ट कर दूं तो भी नया सीक्वेंस जो है दैट वुड बी इन एपी विथ द कॉमन डिफरेंस डी वन माइनस डी टू हम्म श्री शाह श्री शाह चलो तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको सबने लिख भी ली होगी मेरे साथी लिखी होगी प्रॉबेबली ज्यादा टाइम आपको चाहिएगा नहीं लिखने के लिए देखो अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उन पे बात करता हूं वैसे तो उसके क्वेश्चंस अभी आप इतना जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे एग्जैक्टली exactly हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के एपी जीपीएचपी स्पेशल सीरीज सब इन्वॉल्व हो जाता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दो हेडिंग क्वेश्चन कैसे आता है अगर ए बी एंड सीन एपी देन प्रू दैट तो यहां तो प्रूव दैट वाले करके दे देता हूं मैं क्योंकि अभी मैं ऑप्शन वाइज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑप्शन में अगर होता है ना तो पूछता है एपी है जीपी है एचपी है क्या है देन प्रूव दैट फर्स्ट वन बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी आर अल्सो इन एपी या सेकेंड वन अपॉन में बी सी वन अपॉन में ए सी वन अपॉन में ए बी आर इन एपी ऐसे कुछ छोटे से क्वेश्चन अभी तो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ बाद में फिर जब एक बार एपी पे कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन करते हैं इस पैटर्न पे और क्वेश्चन एक बार करके देखो आप दो मिनट डन तो सिंपल है जैसे कि आपको अगर बोला हुआ है कि एबीसीआर इन एपी Then a minus of a plus b plus c, b minus of a plus b plus c, c minus of a plus b plus c are also in AP because you are subtracting the same term from an AP. So therefore, you can say minus b minus c, minus a minus c. माइनस ए माइनस बी ये सीक्वेंस भी एक एपी का ही होगा और इसमें से फिर माइनस वन जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी तो आपने पहले टाइम तो इसको सबस्ट्रैक किया तीनों सेम नंबर को सब्सट्राइक करोगे तो नया सीक्वेंस भी एपी में ही आएगा बिकॉज एपी का सीक्वेंस है ये बच गया और उसमें से क्या किया फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई किया इसमें बचने के बाद में इसमें माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन सब में किया तो किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो नया सीक्वेंस एपी में आएगा तो ये एपी में आ गया दिस इज हाउ यू प्रूव इट इसके लिए अगर ए बी सी ए पी में है तो आप क्या करो ए बी सी से डिवाइड कर दो ए इंटू बी इंटू सी से डिवाइड कर दो वन अपॉन में बी सी आर इन एपी ठीक है चलो इसमें एक और क्वेश्चन करो ए इंटू वन बाय बी प्लस वन बाय सी बी इंटू वन बाय सी प्लस वन बाय ए सी इंटू वन बाय ए प्लस वन बाय बी एक एपी में रहेंगे ये ये भी क्वेश्चन करके बता दो सेम पैटर्न पे ही है हाँ ये भी तीसरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन ट्रू दैट द सीक्वेंस इज ही नहीं ये आपको प्रूव करना है बेटा कितना टाइम लोगे इसको लिखने के लिए थोड़ा सा फास्ट लिखा करो बेटा देखो यहां पर आप। अब आपको पता है कि ए बी सी आ रही नहीं थी तो आपने जब ए बी सी से डिवाइड किया तो भी नया सीक्वेंस किस में आएगा ए पी में आएगा करेक्ट यू डिवाइडिंग बाय द सेम क्वांटिटी द न्यू सीक्वेंस विल आल्सो बिकम इन ए पी द कॉमन डिफरेंस विल चेंज जो कि मैं लिखी नहीं रहा हूँ इसमें तो वन अपॉन में बी सी वन अपॉन में ए सी एंड वन अपॉन में ए बी आर इन ए पी ये तो हमने लास्ट स्लाइड में भी किया था नो मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी एड ए सी ए बी प्लस सी ए बी तो दिस न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी यू आर मल्टीप्लाइंग बाई द कॉन्स्टेंट टर्म ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए में अगर आप तीनों में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी वैल्यू होगी डजेंट मैटर राइट right, यहां पे जैसे एबीसी था जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी तीनों से डिवाइड किया सिमिलरली यहाँ पे भी तो फिर अब आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको ये सीक्वेंस मिलेगा यहां से ए बी माई बी सी प्लस वन प्लस सी ए बाई बी सी सिमिलरली ए बी बाय ए सी ठीक है अब तीनों में से वन वन सब्सट्रैक्ट कर दो ये जो वन है

सी बाय प्लस सी बाय बी बचा ये भी एक एपी में है ए कांस्टेंट बाहर लेंगे तो वन ऑफ में बी प्लस वन ऑफ में सी बचा बी लिया नया सीक्वेंस भी एपी में आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं अरिथमेटिक मीन का अरे अरे ये क्या सिस्टम है तो नई हेडिंग डाल दो अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन का फंडा क्या होता है अगर स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल बी

स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ये अरिथमेटिक मीन होता है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का ये तो मैंने लिखी दिया ना एपी ए मतलब ये सीक्वेंस इज इन एपी अगर मैं ऐसा कभी भी लिख रहा हूं आगे एपी में मतलब वो सीक्वेंस को मैं एपी में बोल रहा हूं तो इज द रिथमेटिक कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए प्लस बी बाई टू एग्जाम्पल एक देखते हैं इसका सबसे पहले तो एग्जाम्पल मान लो अगर आपको पूछा है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर एंड सेवन तो अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर एंड सेवन होगा फोर प्लस सेवन बाई टू जो कि होगा इलेवन बाई टू तो अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर एंड सेवन आर इलेवन बाई टू एंड द प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट से ये जो फोर है ये जो इलेवन बाई टू है और ये जो सेवन है ये तीनों एक एपी बनाते हैं तीनों क्या बनाते हैं एक एपी भी बनाते हैं, बनाएंगे ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था स्मॉल ए कैपिटल ए और बी आर इन पी, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू तो ए प्लस बी बाई टू होगा अब जब आप ए प्लस बी बाई टू करके कोई क्वांटिटी निकाल रहे हो तो पहली टर्म ये जो क्वांटिटी आपने निकाली है एंड दूसरी टर्म विल बी इन एपी एंड एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में होंगी थ्री डी किस में बात नहीं होगा डी तो बिल्कुल सेम होगा बेटा एपी नहीं मतलब एपी का मतलब ही यही होता है कि डी सेम आएगा ना यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे कितना इलेवन बाई टू माइनस फोर यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा सेवन माइनस इलेवन बाई टू दोनों में तो सेम ही आएगा डिफरेंस तो सेम होना ही है एपी में है तो इसमें कौन सी चीज़ है जो मुझ जो समझ में नहीं आई मुझे ये बताओ तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है अरिथमेटिक मीन का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर दो नंबर है मान लो अगर दो नंबर है इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है भाई तो इन दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाई टू कर दो अरिथमेटिक मीन निकल जाता है और अरिथमेटिक मीन का लॉजिक क्या होता है लॉजिक ये होता है तो हुआ है भाई इसकी फर्स्ट टर्म ये हो गई सेकेंड टर्म ये हो गई थर्ड टर्म ये हो गई अगर एपी में है तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही कराया था ना कि मिडिल टर्म इज वॉट मिडिल टर्म इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाई टू मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराया था जो नॉर्मली हम करते हैं अगर एम नहीं सीन में लाते हैं तो हम ये करते थे कि ए बी सी अगर आर इन A, P, देन या तो हम लिखते थे कि टू आईज बी इक्वल टू ए प्लस सी या फिर हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू ये दोनों चीजें लिखते थे ना बेटा जब भी मैं लिख रहा हूँ ना एबीसीपी इट मीन दो थ्री टर्म्स इसके अलावा कोई चौथे नंबर की बात ही नहीं है ना तो कॉन्जिक लिखने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है तो पढ़ाई हुआ है जो मैंने यहाँ पे ये पढ़ाया हुआ है तो इसका मतलब फिर यहाँ पे ये भी समझ लो कि ओवरऑल कंक्लूजन ये भी बोल दो कि बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी बस और क्या यही कॉन्सेप्ट अब यहां पे आता है ये तो आई थिंक बेसिक चीज हो गया अगर एक अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है तो ये हो गया अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट ये है इंसर्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ एनअरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन आपको एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना कितने करना एन करना या कोई भी नंबर आप ले सकते हो यहाँ पे मैंने एन लिया है एक अलग बात है नंबर हम जनरली एन से लेते थे इसीलिए अरिथमेटिक मीन लिया है एक अरिथमेटिक मीन नहीं है नॉट वन जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा यहाँ पे इस प्रीवियस स्लाइड में देखा आपके पास दो नंबर थे जैसे ये वाले क्वेश्चन में आप देखो आपके पास कितने नंबर थे दो नंबर थे इन दो नंबर के बीच में आपने अरिथमेटिक मीन निकाला तो कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया इसके और इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो यू कैन कॉल इट द इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन

टिक मीन इंसर्ट करना एनअरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है और उनके बीच में अगर करना है आपको तो, तो वो अरिथमेटिक मीन सपोज ए वन है ए टू है ए थ्री है टिल ए एन दिस आर दरिथमेटिक मीन विच वी आर गोइंग टू इंसर्ट बिटवीन द नंबर ए एंड बी देन माई कॉन्सेप्ट से के भाई साहब ये जो पहला टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है बी अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए वन ए टू ए थ्री एन ये जो पूरा सीक्वेंस अब बनेगा ये पूरा सीक्वेंस बनेगा ए पी के अंदर दिस इज द कॉन्सेप्ट अब ये जो नया सीक्वेंस बना ये ए पी के अंदर बना एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लेता हूं कि जैसे हमने लिया था अभी यहाँ पे कौन से दो नंबर लिए थे हमने फोर एंड सेवन तो फोर एंड सेवन ही दो नंबर ले लेता हूं एंड इन दोनों के बीच में सपोज मैं इंसर्ट कर देता हूं एट अरिथमेटिक मीन इसके बीच में इंसर्ट करना है तो एट अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है मतलब मुझे इंसर्ट करना है एट नंबर्स ए वन ए टू टिल नाम दे देता हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर फोर एंड सेवन के बीच में एट अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो फोर और ये जो अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट करोगे ये और सेवन जो फाइनल फाइनल नंबर होगा ये जो सीक्वेंस आएगा ये एक एपी में आएगा ये सीक्वेंस क्या आएगा ये एपी में आएगा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं दो नंबर्स के बीच में वो कितने भी हो सकते हैं अगर एक होगा तो भी जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने एक के लिए देखा वो भी भी पे ये वाले वहां भी काम करेगा और एक से ज्यादा होगा तो भी काम करेगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये जो दो नंबर है उसके बीच में जितने नंबर आपको इंसर्ट करने या जितना अरिथमेटिक मेन इंसर्ट करना है वो सारे उन दोनों नंबर्स के बीच में लिख दोगे तो एक नया सीक्वेंस बन जाएगा जो कि एपी का बन जाएगा अब जरा मुझे ये बताओ तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे पहले वाले एपी में और दूसरे वाले एपी में दोनों में बता दो कि ये वाला जो मेरे पास एपी बनेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इसके अंदर एन प्लस टू होंगे और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे Equal to 10 होंगे डाउट तो नहीं है इसमें भाई एट अरिथमेटिक मीन इंसर्ट के दो नंबर ऑलरेडी सीक्वेंस में पहली और आखिरी में हैं आपको दस तोड़े टर्म्स आ गए एपी में है यहां भी एपी भी में है ठीक है अब भाई साहब आपसे पूछ रहा है कि कोई भी अरिथमेटिक मीन निकाल के दो मान लो आपसे पहले वाले दूसरे वाले केस में आपसे पूछ रहा है यार ए एट निकाल के दे दो या ए थ्री निकाल के दे दो या ए फोर निकाल के दे दो या ए फाइव निकाल के दे दो कोई भी निकाल के दे दो तो किस तरीके से निकालोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है भाई साहब एपी का अब आप बोलोगे सर देखो इस टर्म की जो टेंथ टर्म है वो है सेवन और उसको आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म विच इज फोर प्लस टेन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो दोस्तों दिस इज द फर्स्ट टर्म दिस वन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड दिस वन इज द एट टेंथ टर्म ऑफ द एपी तो यहां से डी की वैल्यू निकाल ली आपने कितनी आएगी थ्री बाय नाइन वन बाय थ्री आएगी अब आपसे कोई बोल रहा है कि यार मुझे ऐसा करो मुझे ऐसा करो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन निकाल के दो जो आपने इंसर्ट किए हैं उसमें फिफ्थ अरिथमेटिक मीन निकालने को बोल रहा है वो अरे भाई साहब जब फिफ्थ अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या निकालने के लिए बोला है जरा बताओ तो मुझे

b6 निकालना है दोस्तों सही बोल रहा हूं क्या और a5 वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म होनी चाहिए सिक्स्थ टर्म होनी चाहिए ना देखो ये कौन सी टर्म आ गई आपके पास जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म आ गई जो थर्ड अरिथमेट सॉरी मैंने यहाँ पे a2 लिखना है भाई ये a2 है जो a2 है जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है वो कौन सी टर्म आ गई थर्ड टर्म आ गई फिफ्थ अरिथमेटिक मीन शुड बी t6 की वैल्यू निकालना तो मेरे दाए हाथ का खेल माइनस दिस इज हाउ आई फाइंड आउट वट एवर दे वॉन्ट टू आस्क आफ्टर कन्वर्जन टू दिस इस स्टेप के बाद में इस स्टेप के बाद में ये अब हो जाता है एपी का क्वेश्चन अब सारी एपी की जो भी प्रॉपर्टी आपको लगानी है दोस्तों वो आप लगा सकते हो आ रही क्या समझ में और इनफैक्ट मैं जो प्रॉपर्टी की बातें कर रहा हूं वो मैं ये भी बोल रहा हूं कि भाई जो भी एपी की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है सारी अप्लीकेबल है सीक्वेंस क्योंकि वो तो सीक्वेंस एपी का बनना है जैसे कि अगर मैं बोलू के फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू ए वन प्लस एट इज इक्वल टू ए टू प्लस ए टू प्लस ए सेवन इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए सिक्स इज इक्वल टू ए फोर प्लस ए फाइव ये होने वाला है भाई इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो एपी की है वो यहाँ भी अप्लाई होनी है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एडिशन सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का एडिशन हमेशा बराबर होना नेक्स्ट अगर इसी में कोई जनरलाइज केस करने के लिए पूछ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि टी ऑफ एन प्लस टू जो है वो मेरे पास बी है और बी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन डी और यहां से मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी बी माइनस ए अपोन में एन माइनस वन एंड देयरफॉर फोर अगर आपसे कोई भी अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है सपोज अरिथमेटिक मीन आर एथ मीन मतलब बोले तो ए आर पूछ रहा है तो ए आर वुड बी टी आर प्लस वन ऑफ दैट सीक्वेंस व्हिच इज ए प्लस आर प्लस वन इन डी तो ए की जगह तो आप ए लिख दो फर्स्ट टर्म है आर की जगह आप अच्छा आर प्लस वन माइनस वन यहाँ पे माइनस वन आएगा ना तो ए प्लस आर इंटू डी वो डी की जगह आप लिख दो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा आरियथमेटिक मीन तो कोई भी पूछ रहा है कॉन्सेप्ट यह हमेशा काम करेगा प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी एपी की यहां पे भी लग जाएंगी अरे यार मैंने कुछ हाँ यहाँ पे प्लस बनाएगा माई मिस्टेक यार मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे फाइनली एन प्लस टू माइनस बन आएगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा और ये फंडा आप आगे भी लगाओगे मतलब अभी मैंने अरिथमेटिक मीन पढ़ाया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा तो जीएम पढ़ाऊंगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा एचपी पढ़ाऊंगा तो हार्मोनिक मीन पढ़ाऊंगा सब में यही कॉन्सेप्ट है बेटा आरिथ अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया जैसे मैंने यहाँ पे फिफ्थ अरिथमेटिक मीन लिया ना आर की जगह फाइव ले लिया और कुछ नहीं ए आर आ गया टी आर प्लस वन आ गया फिफ्थ अरिथमेटिक मीन ए फाइव आ गया ए फाइव कितना गया? T, आ गया टी सिक्स आ गया टी फाइव प्लस वन टी सिक्स आ गया वही का वही फंडा है यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के टर्म में लिख दिया मैंने और कुछ नहीं लिखा हाँ हम कांस्टेंट लिखते हैं तो थोड़ा फैमिली कर रहे थे जैसे सेकंड केस में लिखा था मैंने बट पहले वाले केस में एक जनरल केस लिखा है तो आर रहे लिख लिखती है चलो बढ़ जाऊं आगे बिटवीन वन एंड थर्टी वन एक अच्छा क्वेश्चन ही करा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए बिटवीन वन एंड थर्टी वन m arithmetic mean are inserted such that the ratio of सेवन एंड एम माइनस वन अर्थमेटिक मीन इज़ इज़ फाइव टू नाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इसके लिए टाइम दूंगा मैं पांच मिनट का क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पाए अगर आप ये क्वेश्चन अप्लाई कर पाए मतलब कॉन्सेप्चुअली अप्लीकेशन कर पाओ बाकी तो बस फॉर्मूले लगने बेसिक बहुत बट मैं चाह रहा हूं कि आप चेक करो अपने आप को कि जो चीज पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो हाया भाई लोग हम्म सिद्धार्थ सिद्धांत योर आंसर इज राइट देखो गलती मत करना राहुल नो योर आंसर इज ऑल्सो राइट गलती मत करना सिंपल सही चीज है यार वन है थर्टी वन है एम अरेथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया सिद्धि आहान एकदम सही यार परफेक्ट वेरी गुड गुड तो एम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो भाई ठीक है ए वन ए टू एम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं तो कुछ ये वाली दुनिया हो गई है और ये वाली दुनिया ये बोल रही है कि ये वाला जो सीक्वेंस है भाई एपी में है पहली एप्लीकेशन अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट फिर आप बोलोगे सर ये जो थर्टी वन है ना सर एम प्लस टू थर्म है सर इसमें गलती मत करना आप ही लोगों ने मेरे को लास्ट स्लाइड में बताया था यह आप ही ने बताया था ना कि है वैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म वन है एम प्लस टू माइनस वन है इंटू डी है भाई साहब तो थर्टी इज इक्वल टू एम प्लस वन ये आ गया डी अब आपको ये बोल रहा है कि यार देखो क्या देके रखा हुआ है सेवंथ अरिथमेटिक मीन और एम माइनस वन थर्थमेटिक मीन का जो रेशियो है ना भाई साहब वो फाइव इस टू रखा हुआ है और वो फाइव इस टू रखा हुआ है मतलब टी एट अपॉन में टी एम का रेशियो आपको भी बना ये तो अब आपको चमक ही गया होगा क्यों चमक गया होगा क्योंकि जो ए है वो एट्थ टर्म है जो ए एम माइनस वन है उसमें एक ऐड करोगे तो एम एथ टर्म है तो आपको फाइनली ये टी 8 अपॉन में एम प्लस वन इंफॉर्मेशन मिली है वो टी 8 जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस 8 माइनस वन इन टू डी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इन टू एम माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू फाइव बाय नाइन दोस्तों दे के रखा हुआ है थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास मिल जाएगा नाइन प्लस सेवन इंटू नाइन इंटू डी इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव इंटू एम माइनस वन इंटू डी सो देआर फोर नाइन माइनस फाइव इज इक्वल टू डी कॉमन लेने के बाद में आपको बचेगा फाइव एम माइनस फाइव माइनस सेवन इंटू नाइन बचे सिक्सटी थ्री so therefore इज इक्वल टू डी d into इसमें टी एक सेकेंड हाँ m minus one into d हाँ d हम निकाल ही चुके हैं उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे बचेगा अपने पास five m minus of sixty eight वही M की D की वैल्यू अपॉन फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू वन फिफ्टी एम माइनस सिक्सटी एट इंटू थर्टी करना पड़ेगा यार ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आ गया टू टू से कैंसिल भी कर सकते थे तो थोड़ा सा इजी मिल जाता बट ठीक है अब कर चुके हैं अपन तो कर ही देते हैं आगे टू जीरो फोर जीरो कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है कि हम इतना टेंशन लें टू जीरो फोर फोर एम इज इक्वल टू तो कुछ भी नहीं है बस उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन था बेटा थोड़ा सा ठीक है ये क्वेश्चन ओपन से विद टाइम होना चाहिए ये क्वेश्चन टिपिकल एग्जांपल है जो आपका एप्लीकेशन पार्ट चेक करेगा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बट एप्लीकेशन थोड़ा सा लगाना है कि पहली स्टेप ये है कि आप ये लिख पाओ अगर यहां गलती कर दी तो सब कुछ जीरो कोई मतलब ही नहीं राइट तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट फिर यह आपकी ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां पे खत्म ठीक है कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म अब कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं बेटा कॉन्सेप्ट ही तो यही है ना मैंने यही तो चीज यहां पे सिखाई ना बेटा अगर आप एट अरेथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो ये पूरा सीक्वेंस में बन रहा है एपी में बन रहा है ना भाई ये कॉन्सेप्ट है ना ये पूरा सिक्वेंस किस में बन रहा है

वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में मैं आपको मैंने आपको ये भी बता दिया भाई कि देखो ये इसीलिए तो मैंने यहाँ पे ये मार्क करके लिखाया थे छोटी छोटी चीजें कि ये चीजें आपको सोचनी है अरे यार एक आपको यही चीज तो मैंने देखो यहाँ पे कितना फोकस करके लिखा है इसीलिए तो लिखा है कि एक एक स्टेप खुद से समझो आप टेन टर्म्स अब मैंने यहां पे नहीं लिखाया चलो तो ये चीजें जो मैं बोल रहा था आपको कि ये चीजें अब आपको क्लिक करनी चाहिए बेटा क्योंकि ये चीज अभी ही पढ़ाई है पांच मिनट ये चीजें चमकनी चाहिए ये चमकने पे डिपेंड करता है कि भाई ये लिख वही मैंने बोला ना दिस इज हाउ यू चेक यूर अप्लीकेशन पार्ट नोइंग एंड सॉल्विंग मैथ्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स अब अगर इसमें अगर आपकी कमजोरी है इफ यू आर वीक इन इट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट प्रैक्टिस विल We'll make up this. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगी। मेहनत करो, ठीक है? चलो बढ़ आगे। एक और में को इसका कराना है। हाँ, वो डायरेक्टली कर सकते हो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बताया ये वही फॉर्मूला है बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन बट वो फॉर्मूला कौन याद रखे या? और कितने फॉर्मूले याद रखे तीस चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में अब चैप्टर में कितने फॉर्मूले होंगे और किसी किसी चैप्टर में तो बहुत फॉर्मूले तो इसीलिए आई जनरली प्रीफर कि जहां पे अवॉइड कर सकते हैं वहां अवॉइड कर दें पे चलते हैं बस मैंने क्या बोला क्वेश्चन समझना ही अपने आप में चैलेंज है आप समझ गए ये आपने लिख लिया ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया कुछ तो बाकी चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ An arithmetic mean inserted between a and small b, small a and small b. Find the sum of the n arithmetic mean inserted between small a and small b. फाइंड द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीनिंग इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इसका मतलब वही सिंपल हो गया एन ए ए टू थ्री टिल ए एन एंड बी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया और वो निकालना है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री टिल ए एन तक की वैल्यू निकालना है दिस इज लॉजिक ठीक है अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर इन सब का एडिशन मुझे निकालना है तो क्या ये भी पूरा एक एपी में होंगे ना ये भी तो एपी में है तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं के यार ये एपी है जिसके अंदर टर्म्स एन बाई एन है बोल सकता हूं ना भाई ये फर्स्ट टर्म आ गई ये सेकेंड टर्म आ गई। मतलब इनका सम निकालना है तो ये एक एपी है बिल्कुल एपी है क्योंकि एक एपी का पार्ट ही है फर्स्ट टर्म इसमें ए वन है लास्ट टर्म ए एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन बाई टू ए वन प्लस ए एन और आपको ये पता है के एन बाई टू ए वन प्लस एन आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी राइट तो सम ऑफ एन सममेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स आर दिस एन बाई टू इंटू ए प्लस बी ये याद रखना एज अ फॉर्मूला बेटा ये तो आपको देखो वही मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा अप्लीकेशन पार्ट सीखो ये पूरा एपी में है ना बेटा ए ए वन ए टू टिल ए एन एंड बी ये केपी है ना और एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है एपी की प्रॉपर्टी ये होती है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का एडिशन एंड सॉन्ग ये होना है ना ये मैंने लिखा भी था अभी जब उसको बढ़ाया तो मैंने तो बस इसको यूज कर लिया ना A1 प्लस A1 को, A1 को A1 प्लस B से रिप्लेस कर दिया थोड़ा सा भेजा चलाना है बेटा थ्री सिक्सटी डिग्री सोचना सीखना है अगर मेरा क्वेश्चन ये रहता देखना है देखना मैं इजी बताऊंगा जैसे अभी वाला ही जो मैंने क्वेश्चन दिया था इंसर्टेड बिटवीन वन एंड थर्टी वन अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी को अलग तरीके से पैश कर दिया वन और थर्टी वन के बीच में एम की वैल्यू निकालनी थी तो मेरी फोर्टीन निकली थी इस बार मैंने बोल दिया कि भाई फोर्टीन एथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन वन एंड थर्टी वन फाइंड देयर सम तो आपको कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो आप क्या आपको चमकना चाहिए कि भाई एट एन बाई टू एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं और वन प्लस थर्टी वन तो योर आंसर इज सेवन मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू यहां पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ये चीज आप याद रखना ठीक है चलो एक दो प्रॉपर्टी मैं मिस कर गया आपको लिखाना उस टाइम पे वो मैं लिखा देता हूं दो तीन प्रॉपर्टीज हैं अभी आया ये समझ में फॉर्मूले का एप्लीकेशन आप ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते हो इसको लंबी मेथड से निकालो कोई दिक्कत नहीं प्रॉपर्टीज से भी दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो लंबी मेथड भी कुछ भी यूज कर सकते हो बट ठीक है ये यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली चलो आगे बढ़ता हूं कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं हमारी उस टाइम प्रॉपर्टीज के टाइम पे मैं लिखाना भूल गया अगर कोई एक इन एन एपी या फिर इसको इससे लिखने की जगह मान लो अगर एक एपी है ए वन ए टू ए थ्री टिल एन ठीक है ये केपी है terms at equal distances says terms taken at equal distances are also in ap मतलब मेरा बोलने का ये है इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो मैं ये बोल सकता हूं हाँ कुछ एपी की प्रॉपर्टीज बच गई थी अलग टाइप की प्रॉपर्टीज इसीलिए मिस्ट हो गई वहां पे। तो एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या मतलब मैंने बोला कि यार ए वन ए फोर ए सेवन ए इलेवन ये भी एक एपी बनाएंगे भाई इक्वल डिस्टेंस पे ले रहा हूं मैं देखो यहां पे वन से लेके फोर के बीच में तीन टर्म्स का डिफरेंस तीन टर्म का डिफरेंस ये भी एक एपी बनाएंगे या फिर अगर आप कुछ इस तरीके से ले लोगे कि ए टू ए एट ए फोर्टीन ए ट्वेंटी ये भी एक एपी बनाएंगे या फिर आप इसी का एग्जाम्पल लोगे तो ए वन ए थ्री ए सेवन ये भी एक एपी बनाएंगे मतलब अगर इक्वल डिस्टेंसेस पे टर्म्स को उठा रहे हो भैया तो वो एक एपी बनाएंगे अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कैसे बनाएंगे राइट कॉन्जिक टर्म्स का डिफरेंस सेम आने वाला है इसमें पहले वाले केस में थ्री आने वाला है दूसरे वाले केस में सिक्स आने वाला है लास्ट वाले केस जो एग्जाम्पल लिया उसमें टू आने वाला है और अगर आपने कोई टर्म्स लिए मान लो मान लो एक टर्म्स लिए आपने ए एन एक टर्म्स लिए एन प्लस के और एक टर्म्स लिए एन माइनस के ये तीन टर्म आपने इस एपी की उठा लिए है ना एन लिख दो या एन की जगह आर लिख दो जो भी लिखना है लिख दो डजेंट मैटर तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए ए एन जो है वो ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के डिवाइडेड बाई टू आने वाली मतलब अगर इसका मैं एग्जांपल लू तो अगर मान लो एक ए टेन है ए थ्री है और ए सेवनटीन है तो अब आपको ये समझना चाहिए कि ए टेन जो है वो ए थ्री प्लस ए सेवनटीन बाई टू होने वाली है फंडा कहीं ना कहीं ये पहले जो ऊपर लिखा है उसी से इंस्पायर्ड है क्योंकि का जो डिफरेंस है वो सेम थ्री और टेन के बीच में सेवन का डिफरेंस है सेवनटीन में भी सेवन का डिफरेंस तो डेफिनेटली ये भी एक एपी बनाएंगे और ये अगर ये तीन टर्म एक एपी बनाएंगे तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड है एंड अगर ये भी नहीं है अगर आपको मान लो ए फाइव प्लस ए सेवेंटीन बाई टू इज इक्वल टू ए इलेवन होने वाला है भी वही बात हो गई है बेटा इसका प्रूफ अब आप करना बहुत बेसिक प्रूफ है इसका टर्म्स की वैल्यू लिख के आप पता कर सकते हो वैसे तो आप आपको क्लियर होना ही चाहिए बेटा ये समझ में आया आपको ये प्रॉपर्टी आगे ही समझ में नहीं आई इसके प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं तो ये वही तो प्रॉपर्टी आपको बोला कि ये एक एपी बनाएगा इसमें कोई दिक्कत क्लियर ये एक एपी बनाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अब जब एपी बनाएगा तो भाई मिडिल टर्म उस एपी की फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई तो लिखी हुई है फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन बोल दो या फिर फॉर्मूला बोल दो कि अगर तीन टर्म एपी में है तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू होती है कुछ भी बोल दो उसको जो भी बोलना है बस वही किया है मैंने यहाँ तो बस प्रॉपर्टीज का कनेक्शन है नो यू आर फ्री सीक्वेंस एंड सीरीज का इन चैप्टर वन पूरा सॉल्व कर सकते हो और साथ में बुकलेट में मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ यार क्या क्या कर लो तो आप एटलीस्ट एक सेकंड हाँ इन चैप्टर वन कर सकते हो आप और एक्सरसाइज वन भी स्टार्ट कर सकते हो एक्सरसाइज वन में एपी के क्वेश्चन करना बस टिल सेवेंटीन मतलब इन चैप्टर वन हाँ वो जब सिद्धि होंगे ना एक और होगा प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जब अपन रख देंगे डाउट ठीक है इन चैप्टर वन पूरा सॉल्व करो एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन तक सॉल्व करो इतना कर लो एपी की बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी या एक और असाइनमेंट पड़ा था मेरे पास मिल नहीं रहा मेरे को यार

ये पहले वाली प्रॉपर्टीज ने बोली तो दिया है कि इक्वल डिफरेंस पे जो टर्म्स है तो वो एपी में आएंगी सर क्योंकि वो वाला ए वन ए ऑल दोज वर एन एपी ना सो वी एक्सपेक्ट हाँ ये तो ये A7, तो गिवन हाँ ये तो गिवन ही है मतलब डेफिनेटली अपन जो भी बात कर रहे हैं उसमें ये तो गिवन ही है ना अच्छा देन उसके रिस्पेक्ट में वी कैन से दिस हाँ ओके हाँ, तो ये प्रैक्टिस करो बेटा सॉल्यूशंस भेज देता हूं मैं दोनों के आपको सॉल्यूशन में भेज देता हूं आपको मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ उसमें इस पूरे चैप्टर के इन चैप्टर्स की सॉल्यूशंस हैं आपके पास ठीक है और मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी भेज रहा हूँ आई थिंक तीन एक्सरसाइज हैं एक बार क्रॉस ट्राई करना मेरे पास एडवांस की बुकलेट के सॉल्यूशंस हैं बट वो मैच होता है तो प्रैक्टिस करना सॉल्यूशन को रिफर करना अच्छे से बट क्वेश्चन खुद से सॉल्व होना चाहिए ठीक है चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन